हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूँ वो है एडवांटेज अध्यात्म, या तो फिर कहे कि एडवांटेज स्पिरिचुअलिटी। तो दोस्तों, मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि ये एडवांटेज है, इसलिए कि जब हम अध्यात्म की बात करते हैं, स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, तो हम जो है हम ये जो फ्लैश बोन वगैरह जो है उसके बियॉन्ड जो हम है उसकी बात करते हैं, ठीक है। यानी इंटेंजिबल फॉर्म ऑफ अवर सेल्फ की हम बात करते हैं, उसको जानने की बात करते हैं, समझने की बात करते हैं। तो मेरा कहना ये चीज़ है कि ये चीज़ हमें एडवांटेज इसलिए है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो हमें डायरेक्टली ऐसा लगता है कि ये हमारा फिजिकल प्रॉब्लम है, या तो रिक्वायरमेंट है, ये लिमिटेशंस है, या और कुछ। तो वो बहुत सारी चीज़ जो है ऐसे देखा जाए तो हम सुपरफिशियली देखते हैं तो उसमें काफ़ी सारी हमें समस्या दिखती है, मगर अगर वही चीज़ को जो है आध्यात्मिक तरीके से देखा जाए, स्पिरिचुअल वे में देखा जाए, तो वही चीज़ जो है बहुत सिंप्लीफाई हो जाती है, और दूसरा की कोर अंडरस्टैंडिंग आ जाती है हमारे पास कि भाई ये चीज़ हो रही है तो क्यों हो रही है। ठीक है, आज सर दिख रहा है तो सर दुख रहा है तो क्यों दुख रहा है, धूप नहीं लगी है, कोई गलत चीज़ खाई नहीं तो फिर भी क्यों दुख रहा है, उसके पीछे कारण क्या है। तो आपको समझ में आएगा कि भाई उसके पीछे कारण जो है वो हमारे विचार हो सकते हैं, हमारा मूड हो सकता है, बहुत सारी दूसरी चीज़ होती है जो चीज़ हमें जो है स्पिरिचुअल तरीके से जो है हम जान सकते हैं। तो अभी हम हेल्थ की हम बात करें तो इस सेंचुरी में, 21st सेंचुरी में जो हेल्थ की हम बात करें ना, तो इट इज़ ऑल अबाउट द मेंटल हेल्थ। और मेंटल हेल्थ में क्या होगा, तो अंडरस्टैंडिंग वन सेल्फ एज ए सोल, ठीक है, एज ए शरीर जो नहीं मगर आत्मा के रूप में जानना, ठीक है, फिर उसको जीव को जो भी कहो, मीन्स हमारा जो जो नॉन फिजिकल फॉर्म है उसको समझने की कोशिश करना। तो ये चीज़ हम समझते हैं तो हमारे लिए वो एडवांटेज जो है अपने आप बन जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे कभी कभी जो है हम लोग जो है बहुत कोई ना कोई कॉम्प्लेक्स विचार में फंस जाते हैं, या तो कोई ऐसा जिसको बोलते हैं स्वप्न आ गया तो अपसेट हो जाते हैं, तो ये चीज़ जो होती है हमें कंफ्यूज कर देती है। बहुत सारे लोग सुपरस्टिशियस होते हैं तो वो उस तरीके से सोचने लगते हैं, बहुत सारे लोग जो है ज्योतिष शास्त्र या उस दूसरी चीज़ में श्रद्धा रखते हैं तो वो उस तरीके से सोचने लगते हैं, मगर जब आपके पास जो है स्पिरिचुअलिटी का ज्ञान है, ठीक है, आत्मज्ञान है, अध्यात्म है, तो आप जो है बहुत ही होलिस्टिक तरीके से इस चीज़ को समझ सकते हो और आसानी से जो है इसको आपको जो है ना रेक्टिफाई कर सकते हो, उसको जज कर सकते हो कि व्हाट एग्जैक्टली इट इज़। तो ये जो है आप खुद फिर कर सकते हो, शुरू शुरू में आपको हेल्प लेनी पड़ेगी मास्टर्स की, बराबर है, बाद में जो है आप खुद जो है ये चीज़ समझ सकते हो। और इसमें सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये चीज़ समझने के लिए किसी को एजुकेटेड होना, फॉर्मल एजुकेशन होना, हाईली एजुकेटेड होना कतई ज़रूरी नहीं है। कोई भी इंसान जो है जिसे भाषा का ज्ञान है, अपनी मातृभाषा का, वो ये चीज़ जान सकता है, सीख सकता है, वो इसकी सबसे बड़ी ब्यूटी है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि एडवांटेज अध्यात्म, एडवांटेज स्पिरिचुअलिटी। हाँ, मैं समझ सकता हूँ कि जैसे जिस चीज़ को हम अध्यात्म कहते हैं उसको जो है इंग्लिश में स्पिरिचुअलिटी बोली जाती है, मगर वो 100% जो है वो चीज़ नहीं है, मगर उसके नज़दीक का जो है ये बात है, इसलिए उसको मैं स्पिरिचुअलिटी भी बोलता हूँ। तो दोस्तों, मैं यही कह रहा हूँ आपको कि ये चीज़ जो है इसमें आप इंटरेस्ट ले। पहले ऐसा सोचते थे, इवन एज ए यंग बॉय, इवन आई यूज टू थिंक कि भाई ये सब चीज़ जो है इट इज़ फॉर द ग्रोन अप पीपल, ये जो हमारे जैसे यंग लोगों के लिए, टीनेजर्स के लिए नहीं है। मगर धीरे धीरे जो है व्हेन आई वेंट क्लोज टू ऑल दिस थिंग्स तो आई रियलाइज कि नहीं, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, उपयोगी है, और वो जो है वो हमारी स्ट्रेंथ बढ़ाने वाली चीज़ है, कम करने वाली चीज़ नहीं है। दूसरा कि ये कोई आउट ऑफ फैशन या ओल्ड कॉन्सेप्ट भी नहीं है, ये सारे के सारे बहुत सारा जो है ना उसमें हवा बना के रखा हुआ है बहुत सारे लोगों ने कि भाई ये सब चीज़ जो है हमें नहीं करनी चाहिए, तो बड़ी उम्र के लोग के लिए है, मगर ऐसा कुछ
है नहीं। अब मैं इतना ही कहूंगी कि अगर आपको ये पता है कि भाई आपके दिमाग की स्थिति जो होती है वो इतने प्रकार में जो है बदलती रहती है, आपका स्टेट ऑफ माइंड अगर कहे, फिर बॉडी का बात करें तो उसमें भी जो है कि भाई बॉडी जो है उसके भी प्रकार जो है अलग अलग स्थूल सूक्ष्म उस तरीके से जो होता है तो वो भी जो है बदलते रहते हैं, और उसके हिसाब से जो है कोई भी परिस्थिति को जो है हमें अंडरस्टैंड करना है। तो शुरू में आपको जो है थोड़ा अजीब लग सकता है, मगर एक बार आपको ये चीज़ का आइडिया आ जाएगा तो आप कहेंगे कि नहीं ये बहुत बढ़िया है, हमें खुद को पता चल जाता है कि हमें ये विचार आया तो क्यों आया, हम ये जो बात है ये क्या कहना चाहती है, ये न्यूज़ है या तो ये कोई भी जो है पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, तो वो हमें क्या बताना चाहता है, तो वो तुरंत ही हम जो है ना उसको समझ सकते हैं। उस ये अध्यात्म की जो है ना ये ताकत है, और ये कोई रिलीजियस बात नहीं है, ठीक है। प्रैक्टिसिंग रिलीजियस बिलीफ इज अ पर्सनल मैटर, वो कोई बात ही नहीं है, और किसी को समझाने की भी बात नहीं है, समझने की भी बात नहीं है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि ये जो चीज़ जो है वो पूरी की पूरी जैसे हम लोग साइंस की स्टडी करते हैं उस तरीके से जो है अध्यात्म है, और वो कोई भी जो है समझ सकते हैं, और कोई भी एज का समझदार अगर हम कहें तो जिसको बोलते हैं 12-14 साल के समझदार बच्चे से लेकर कोई भी एज का आदमी जो है ठीक है जो खुद अपने आप सोच सकता है वो ये चीज़ जो है समझ सकता है। तो ये भी नहीं है कि ये जो है समझने के लिए भी जो है कोई पर्टिकुलर उम्र चाहिए। तो मैं इतना ही कहूँगा कि अगर हो सके तो दोस्तों ये चीज़ जो है ठीक है इसके अंदर डिटेल में आप सीखने की कोशिश कीजिए, बराबर है। आपको जो है अगर आप चाहते हैं तो आपको हमारे देश में भारत में बहुत सारे मास्टर मिल जाएंगे इसके, और वो आपको समझा सकते हैं। ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कहता कि मैं ही आपको समझा सकता हूँ, कोई भी आपको जो पसंद आए उस आदमी से आप सीख सकते हो, मगर ये सीखना बहुत काम की चीज़ है ये मैं आपको बता रहा हूँ। और ये चीज़ जो है हमारी इंडिजीनियस है, हमने दुनिया को दी हुई है, और हम जो है ना इसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, और ब्लाइंडली हम लोग हम इसका जो है खुद इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, और हम लोग ब्लाइंडली जो है दूसरों को वेस्ट को फॉलो कर रहे हैं और हमारी मुसीबत बढ़ा रहे हैं। तो मैं इतना ही कहूँगा कि बैक टू बेसिक्स, और वो जो है क्या तो कि हमारी संस्कृति, हमारा जो लेगेसी है जो नॉलेज का ठीक है आध्यात्मिक नॉलेज का, उसमें जो है हमें वापस आना चाहिए, और यहाँ बहुत सारी सुविधा है, बहुत सारी लाइफ में बहुत खुशी है, बिलीव मी, थैंक्स।